अच्छा अफसोस की बात करने की कप की डंडी टूट गई है और हमें को दुख हो रहा है, हमें कहती है मुझे वीडियो नहीं बनानी, मेरे सामने नहीं आना, वो हमें खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज शाम हो चुकी है इस टाइम और बच्चों को नहलाया था मैंने, तो ये उन्होंने कहा कि हम थोड़ी चाय पीनी है, तो कभी कभी शौक चढ़ता है बच्चों को भी मेरी तरह, तो खाई चाय पी रहे हैं और ये मेरी चाय है। और अब मैंने जाना है अम्मी की तरफ और मजेदार सी हमने फिश बनानी है, तो देखिए व्लॉग मुकम्मल और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चाय मैंने पी ली है और कपड़े शपड़े जो मैंने धोए थे मशीन में पड़े थे मैंने वो निकाल के किचन में डाल दिए, क्योंकि बाहर तो सूखेंगे नहीं, जो बाहर डाले हुए हैं वो भी उतार के मैं कोशिश करने के अंदर ही डाल दूँ, क्योंकि ना सर्दी बहुत पड़ रही है, बहुत सर्दी है और सुबह तक गीली हो जाएंगे हो जाता। ये हम नानागर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, पहले प्लान नहीं बना था, अब बना प्लान कि हम लोग चलो आज संडे है, वीकेंड है, हमने भी जाना है। वीडियो तो आप देख लेना ठीक है, छान से ऐसे और फिर वो सब पीछे आ रहे हैं मेरे और हम लोग आगे का ये है जी बैल दो। अच्छा मुंह देखना मुझे ना पास ना मजे ही है, कभी हम लोग मतलब के वहां जाते हैं, कभी हम लोग अपने घर आते हैं, मतलब के सही है वो आ जा रहे हो मम्मा, वो इतना दूर है, इतनी दूर भी नहीं है, अभी लाहौर में है ना, अब वो लोग इतनी इतनी दूर रहते हैं, वो कुछ साल में दफा नानू घर जाते हैं, तो आप डेली जाते हैं नानू घर। अस्सलाम वालेकुम, अम्मी तरफ आ चुके हैं और अभी फिजा चली गई भाग गई नाने के नाना के पास गाने सुनने के लिए, पापा कुछ सुन रहे हैं तो खैर इनको बहुत शौक है, म्यूजिक का बहुत शौक है। अच्छा अफसोस की बात करने की कप की डंडी टूट गई है और अम्मी को दुख हो रहा है, अम्मी कहती है मुझे वीडियो नहीं बनानी, मेरे सामने नहीं आना, वो अम्मी खड़ी है, अम्मी कहाँ है कहाँ है कहाँ है ये अम्मी। अच्छा चलो अम्मी बता दो ना यार, बता दो अम्मी, अच्छा हाँ जी ये 1.5 किलो मछली ली है, इसको हमने दोपहर बेसन और अजवाइन और नमक लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए, फिर इसको मल के अच्छी तरह धो लिया, इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई वो नहीं है, बेहतरीन पकेगी इंशाल्लाह। और इसको इसके लिए मसाले हमने लिए हैं 1 चम्मच सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। नमक मैंने यहाँ पे कम यूज किया है क्योंकि मछली को भी लगाया था ना, ये सक कर लेती है, चूस लेती है, इसमें काफी अच्छी मिकदार में नमक हो गया है, तो ये ले लें मसाले, इसीलिए हमने नॉर्मल साइज के 3 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, ये अदरक, ये लहसुन और ये हरी मिर्चें, अब इन सबको हम या तो ग्राइंड करके भून लेंगे या फिर हम मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, इसको मैं सारे मसालों को डाल के 5 डाल देते हैं पतीली में, ये पतीली है इसमें डाल देंगे, सारे मसाले इसमें डाल दिए, पानी लाओ, हाँ जी मैं डाल में ले आता हूँ। अच्छा अब अच्छी बन जाए, हाफ ग्लास ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें से हम 1 कप तकरीबन पानी इसमें डाल देंगे, चलें जी ये इनको डाल के 15 मिनट पकाएंगे, जब प्याज गल जाएंगे तो फिर हम इनको ग्राइंड करके फिर घी डाल के इसकी खूब भुनाई करेंगे, फिर मिलते हैं भुनाई करने पे। ठीक है इतना ये पक रहा है और हमने अम्मी ने बना ली चाय, हम दोबारा चाय पियेंगे, चाय कितनी भी हो कम है। अच्छा तो ये मसाला गल गया था तो अम्मी ने सब ग्राइंड करके घी डाला है इसमें, उसको पतीली में वापस निकाल लिया है और कितना अच्छा सा ग्रेवी सी बन गई है इसकी, तो अब इसकी हम कम से कम 10 से 15 मिनट बुनाई करेंगे, ठीक है बुनाई करेंगे, घी ये लादा और मसाला लादा हो जाएगा, फिर हम इसमें दही डालेंगे, दही डाल के उसमें फिर हम हल्की आंच पे फिश ऐसे ही रख देंगे। आप टमाटर अदरक हरी मिर्ची बाद में डाल सकते हैं, इनके हाँ। तो बच्चे नहीं पसंद करते ना, वो खड़ी खड़ी मुंह में आए तो फिर जो आता है अलग अलग कर देते हैं सर मेरे बिल्कुल ही, तो हमने इसे पहले डाल दी थी तो ताकि ना वो अंदर ही रहे ना, वो फिर इसलिए मैंने फिर सारे पहले डाले थे। ठीक हो गया, इसकी बुनाई करेंगे 10-15 मिनट और फिर दही डालेंगे।
कि दही डाली थी इसमें अंदर, इस समय अंदर नहीं, इसमें दही डाली थी, सुनाई कर रहे हैं अभी साथ साथ, तो अच्छे से हो रही है। और इस दौरान हमने इसमें दो लीमू के स्लाइस हमने डाल देने हैं, सीड में निकाल लिए थे इसके, इसके यह बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो ये अभी इसकी बनाई अभी चल रही है, ठीक है, अभी इसे ख़त्म नहीं की, 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट करीब 5-10 मिनट और हम मजीद करेंगे, ठीक है। ओके, घी भी निकलना शुरू हो गया, ठीक है, भाप काफ़ी है लेकिन हो गया, ठीक है, निकल रहा है, गुड, अब हो गया, देखिए अच्छी स्मेल आ रही है, जो बाद ध्यान से, अच्छा दूँ मैं, अच्छा रखना है, हाँ इस तरह से ना ताकि मसाला चूस लें, ठीक है। अच्छा जिसको उसके अम्मी कहते हैं कि गोल गोल कोटी होनी चाहिए ये मसाले के लिए, नहीं इसमें भी ऐसे ही चलता है, ऐसे ये ज्यादा सही रहती है, मैं तो इसी का बनाती हूँ, ठीक है, ठीक है, अभी इस तरह से ना सारे डाल देंगे और फिर हिलाना नहीं है इसको ना, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद हिलाएंगे, ठीक है। इस तरह सारे मीने ना जो इसके पलते थे पीसीस से ऐसा रख दिए फिलहाल, ठीक है, अब मैं ऊपर इसको निप करने लगे हैं हम, और पानी में कुछ भी नहीं डाला है ना, मैं पानी नहीं डाला, पानी नहीं डाला, बिल्कुल भी डाला, ठीक है, हल्की सी आंच में इसको हमने ढक दिया बस। अच्छा इसको अब हमने टर्न कर लिया, ये घी निकल गया इसका, ओके, अब क्या करना है मैं, हाँ बस 5 मिनट ऐसे ही हल्की आंच पे ना इसको भुनाई करेंगे, हल्के हल्के ऐसे पूरा से भी ना, ठीक है, तो अच्छा बस फिर इस पर जितना आपने अपना सूप लगाना है ना शोरबा वो लगा लें, बस लगवा लगा पानी लगा लेंगे, हाँ ठीक है, चलो पानी के बाद खाते हैं, ठीक है, नहीं और लगाएंगे हम, सूप तो मजे का लगता है ना कसम से, बहुत यमी लगता है, बहुत मजेदार, और इसमें इतनी मजेदार सी, तो मजेदार तो होता ही है, रज़ाइयत बहुत अच्छी होती है, वाला ताकत होती है, सही, ओके, बड़े प्यार से हलाना है, जवाब भी कह रहा है खुशबू बहुत, जवाब को तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बस हल्का सा लेंगे, ठीक है, पतीली बड़ी दिन चाहिए थी मुझे वैसे ना, मुझे आइडिया बैठे, बस अभी ये बंद ले रस ले लो, रस पे आ रही है ना नींद, जवाब अभी फिश खानी है आपने, हाँ अम्मी अभी इसको दाना में धनिया वगैरह भी या बाद में, नहीं अभी जरा एक उबाल, ये थोड़ा सा हल्का सा जोश हो जाए, ठीक है, ढकना है इसको, हाँ ये खुले ही खुले रहने दे, ठीक है, इसको अभी अभी थोड़ा सा इसको पकाएंगे, सूखी मेथी बस, वो काफी रोटी ले आए हैं, खमीरी रोटी, अच्छा गरम मसाला भी, अभी गरम मसाला, ठीक हो गया, जबरदस्त खुशबू देखी आ रही है, भूख से लग गई है, चलो अब इसको हम खाएंगे, ये देख लो सारे, कैसी है, मुंह बंद कर लो अंकल, इतनी मजे की लगी थी गासी, बड़ा मजा आया था, तो लास्ट में मैंने खाई थी मम्मी की तरफ, चलो मम्मा रोटी देनी चाहिए थी, बहादुर बनते होते हैं, से बातें हो रही हैं, कासिम बोतल ड्यू है आपकी तरफ, बोतल ड्यू हजम नहीं होगी मछली मुझे, देखा है मच्छर बहुत दफा देखा है, हाँ जी चाय से भी अगर बना के आप दें तो क्यों बना के दे नहीं सकते, नहीं बना के दे सकते, सही है।
खाना हमने खा लिया और अम्मी की बातें हो रही अपने पोते के साथ और क्या कहते हैं बड़ा मजा आया मछली का, बहुत मजे का टेस्ट था और बहुत हेल्दी थी क्योंकि सारा सूप निकला था शोरबे में और बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। तो आप भी जरूर ट्राई करना ये रेसिपी और मुझे फीडबैक जरूर देना। और बस यहाँ होता है हमारा ब्लॉग एंड, अब हम घर जाएंगे आराम से चाय या क्योंकि अगर कासिम ने मिला दी तो क्योंकि हम सो जाएंगे। अगर वीडियो एडिट करनी हुई तो मे भी अगर मेरा मूड हुआ तो हम कर लेंगे या मूवी देख लेंगे चुपके चुपके से। तो खैर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को सबको अपनी दम याद रखें, दुआ करते रहा करेंगे और बहुत बड़ा तोहफा होता है सबके लिए ना दुआ, ठीक है ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।